नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। घटना छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सरवटे बस स्टैंड की है। यहां बर्तन व्यापारी का नौकर गिरधारी बर्तन बाजार से 2 लाख रुपए लेकर निकला था। ये पैसे उसे स्कीम नंबर 140 में ले जाकर देने थे, लेकिन वो छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में पहुंचा जहां एक महिला ने उसे पता पूछने के लिए रोका। तभी बाइक पर आए दो बदमाश एक्टिवा गाड़ी की डिक्की से पैसे लेकर भाग निकले। बदमाशों ने महज 1 मिनट में डिक्की खोलकर बैग उड़ा लिया। ये घटना वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। उम्मीद है कि बदमाशों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। गाड़ियों की डिक्की से लगातार हो रही चोरी के मामले को लेकर आईजी हरिनारायण चारी द्वारा बताया गया है कि शहर में इस प्रकार की वारदात करने वाली गैंग रैगिंग कर इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जल्द ही इस प्रकार के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही कर गिरफ्तारी की जाएगी। अभी कुछ गाड़ी के डिक्की में से कुछ पैसे चोरी होने की बात आई है। ऐसे मामलों में पुलिस फुटेज हासिल कर ली है और उसके आधार पर जल्द ही उस गिरोह से जुड़े लोगों का खुलासा कर दिया जाएगा। इसको लेकर से कोई विशेष दिशा निर्देश जारी किए कि लगातार इस तरह के सामने आ रहे हैं, कोई संगठित गिरोह तो नहीं इसमें? इसमें निश्चित तौर पर कोई ऐसा गिरोह है जो कि मुख्य तौर पर डिग्गी पे और इस तरह के चीज़ों में वो फर्जी उनके की बना लेता है या कई बार लोग उसको लॉक नहीं करते हैं जिसका फायदा उठाता है। बहरहाल उस पर पुलिस की नजर है और उम्मीद है जल्दी वो गिरोह पकड़ा जाएगा। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।